हाय गाइस, डॉग्स की इस ब्यूटीफुल दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मंजीत और हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग्स ब्रीड की इस सीरीज में बात करने वाले हैं एक काफी ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है साइबेरियन हस्की। तो कोई साइबेरियन हस्की को कौन नहीं जानता, क्योंकि मोस्ट लोगों की ख्वाहिश होती है इस ब्रीड को परचेज करने के लिए, बट काफी लोग इन्हें परचेज नहीं कर पाते क्योंकि इनका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। बाय द वे, आज जिन साइबेरियन हस्की पपीज के बारे में हम लोग बात करने वाले, इनमें आप लोगों को कुछ काफी स्पेशल चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये कि ये सुनके आप लोगों को काफी खुशी होगी कि जो साइबेरियन हस्की पपीज है, इनमें आप लोग चाहे मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, दोनों का प्राइस सेम है। एंड सेकंड चीज, पपीज जो है ये प्रॉपर मार्किंग में है। एंड थर्ड चीज, पपीज ब्लू आईज में भी है और ओड आईज में भी। तो इस पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में आप लोगों को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। पपीज होम ब्रीडिंग के है, प्रॉपर मार्किंग में है एंड बिल्कुल गोलू मोलू से है। एंड गाइस, जब आप लोग साइबेरियन हस्की को परचेज करो तो आप लोग उनकी टेल में ये व्हाइट कलर की मार्किंग जरूर देख रहे हैं, क्योंकि भाई एक प्योर क्वालिटी के साइबेरियन हस्की की टेल में आप लोगों को ये व्हाइट कलर जरूर देखने को मिलेगा। और होम ब्रीडिंग के पपीज को परचेज करने के आप लोगों को फायदे ये होते हैं कि पपीज जब तक ओनर के पास रहते हैं तब तक वो मदर फीडिंग पे रहते हैं, और आप लोगों को पता ही है कि मदर के दूध से जो इन्हें न्यूट्रिशंस मिल सकता है वो और किसी भी चीज से नहीं मिल पाएगा, और इसी से इनकी इम्यूनिटी पावर और इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन पपीज को परचेज करने से आप लोगों को ये श्योरिटी रहती है कि हाँ भाई, इनके पेरेंट्स को हमने लाइव देखा है, क्योंकि जब आप लोग डायरेक्ट जाओगे तो मदर फादर को लाइव देख सकते हो क्योंकि दोनों ही ओनर के पास अवेलेबल है। क्योंकि गाइस, आज कल लोग थोड़े से पैसों के लिए दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, वो पपीज को ही और दिखाते हैं और मदर फादर को ही और। तो फ्रेंड्स, इन साइबेरियन हस्की पपीज में जो फीमेल है वो आप लोगों को ब्लू आईज में मिल जाएगी और जो मेल पपी है वो है ओड आईज में। वैसे जिन लोगों को ओड आईज के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पपीज की जो दोनों आईज का कलर होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि एक ब्लू हो गई और एक ब्लैक हो गई। तो ये यूनिक चीजें आप लोगों को सिर्फ एक दो डॉग्स ब्रीड में ही देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है शार्प आई। तो अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप लोगों को क्या परचेज करना है। ब्लू आईज में तो फीमेल परचेज करनी होगी और ओड आईज में मेल। बट गाइस, इतना आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि साइबेरियन हस्की एक काफी अच्छी फैमिली डॉग ब्रीड है जो इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, तो फैमिलीज में रखने के लिए ये आप लोगों का एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो साइबेरियन हस्की पपीज हैं ये वुली कोट में। वैसे साइबेरियन हस्की में दो ही कोट आते हैं, जिसमें से एक है स्टैंडर्ड और सेकेंड है वुली। तो फ्रेंड्स, अगर इन ब्यूटीफुल पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 40 डेज के हो चुके हैं। ओनर की जो लोकेशन है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश से। एंड डिलीवरी में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग ओनर को विजिट करके भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग कौन से ऑप्शन को चूज करते हो। एंड फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज सुपर क्वालिटी में है, वुली कोट में है और ब्लू आईज एंड ओड आईज में है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 20,000 रुपीज, यानी 20,000 रुपए। तो इस प्राइस में आप लोग मेल को भी परचेज कर सकते हो और फीमेल को भी, दोनों का प्राइस सेम है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।